नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। साइंस पढ़ने का वक्त आ गया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों और 9 के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, जिसका पहला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। इससे संबंधित अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 8800440559। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो सेंड योर क्वेश्चन थ्रू मेल एज वेल ऑन ऑफिशियल मेल आई डी फॉर क्लास 9 स्टूडेंट dts.class9@cit.nic.in। To watch this program live, you may tune in PM eVidya channel number 9, and also you can watch this session live on NCERT official YouTube. I've got Dr. K.K. Vajpayee with us. He's a PGT physics and joining us from Sitapur, Uttar Pradesh, Kendri Vidyalaya. I welcome you, sir. Dr. Vajpayee, can you hear me? I welcome you. Yes, sir. Yes, sir. Right. So whole time is yours, and today we are going to talk about gravitation. So what is the universal law of gravitation, gravitation says? Actually, we need to understand this. So while briefing this, you may start your session now. Thank you, sir. बच्चों, आज जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, जैसा सर ने अभी कहा कि ग्रेविटेशन एक्चुअली होता क्या है, तो ग्रेविटेशन एक क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है उसमें फिजिक्स का जो पार्ट है इसका। वैसे तो साइंस के कई चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी का भी है, केमिस्ट्री का भी है, लेकिन फिजिक्स का जो चैप्टर ये ग्रेविटेशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से अभी जब क्लास 11th में पहुँचेंगे तब भी हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आज हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहला होगा व्हाट इज ग्रेविटेशन, हम लोग समझेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ऑब्वियसली आप लोग पहले से भी जानते हैं कि न्यूटन ने दिया था। उसके बाद हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और साथ ही साथ हम फ्री फॉल के बारे में भी समझेंगे। इसके साथ हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे, और उसके पश्चात मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ये टॉपिक्स आज हम लोग लेंगे। सबसे पहले ये जो हम लोग जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट फोर्स इज द कॉज ऑफ एवरी मोशन। इससे पहले जो चैप्टर 10 के पहले हम लोग चैप्टर 8-9 पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स इज द कॉज ऑफ एवरी मोशन, बिना फोर्स के कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड ऑफ द डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन अगर हमको चेंज करनी है तो भी हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ हम लोग छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर काटते हैं, और इसी तरीके से जो हमारा चंद्रमा है, मून गोज अराउंड द अर्थ, ये हम लोग पहले से जानते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है और वो किसी भी हाइट से अगर उसको गिरा दिया जाए तो वो अर्थ की तरफ आता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ दूर, कुछ ऊंचाई तक तो वो जाता है, और उसके बाद में वो एक मोमेंट के लिए रुकता है और फिर अर्थ की तरफ ही आ जाता है। अब एक सिंपल एक्टिविटी है जो हम लोग कर सकते हैं। इसमें एक आपको क्या करना है, एक कोई भी स्टोन या कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट हम एक थ्रेड में बांधेंगे और उसको जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से हम उसको घुमाएंगे। तो हम देख सकते हैं, फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका हर टाइम पर, किसी भी मोमेंट पर, इसका डायरेक्शन जो इस बॉडी की है वो डायरेक्शन हर मोमेंट पर चेंज होती रहती है। और अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि किसी भी फोर्स, जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक
कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन की डायरेक्शन नहीं बदल सकता है। इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स तो लग रहा है, अब वो फोर्स कौन लगा रहा है? तो फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने धागे से इसको बांध रखा है, और धागे से बांधने की वजह से हम जो अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स ट्रांसफर होकर के उस बॉल तक पहुंचता है और बॉल घूमती है। अब यहां पर एक चीज विचार कीजिए, अगर बाय द वे हमारी जो बॉल है वो घूम न रही होती, हमने ऐसे ही थ्रेड में बांध करके अपनी तरफ खींचा होता, तो क्या होता, बॉल हमारी तरफ आ जाती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि बॉल को हम सर्कुलर मोशन में लाने के लिए घुमा रहे हैं अपने हाथों को, इसलिए फोर्स लगाने के बावजूद भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास ना आकर के एक सर्किल में घूम रहा है। लेकिन अगर हम थ्रेड छोड़ दें या थ्रेड टूट जाए तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ये टेंजेंट के अलांग मूव करेगा। अब टेंजेंट क्या होती है तो हम लोग हालांकि समझ सकते हैं, यहां पर जो चित्र में दिखाया गया है इसमें टेंजेंट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है और वो सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस एक ही पॉइंट पर सर्किल को टच कर रहा है, तो इस लाइन सेगमेंट एबी को हम टेंजेंट कहते हैं। तो जो हम लोगों ने ये फिगर देखा था इसमें अगर थ्रेड टूट जाए तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जो कि न्यूटन का पहला जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसमें न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो अपनी उसी स्थिति में स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर धागा यहाँ पर टूट जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और सर्किल में नहीं घूमेगा। अब यहाँ पर न्यूटन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, एक कहावत भी प्रचलित है, अब वो कहावत सही है कि गलत है लेकिन प्रचलित बहुत ज्यादा है कि एक बार न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा। न्यूटन ने जब ये देखा, हालांकि उससे पहले भी लोगों ने ऑब्जर्व किया था, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है, अर्थ की तरफ आता है, लेकिन जब न्यूटन ने ऑब्जर्व किया इसको कि एप्पल ऊपर से नीचे आ रहा है तो इनके माइंड में तुरंत आया कि अगर ये एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है तो इसी तरीके से अर्थ की तरफ चंद्रमा क्यों नहीं आ जाता, चंद्रमा अर्थ पर आकर के क्यों नहीं गिर जाता है। तो इसमें एक सवाल और भी मैं जोड़ूंगा डॉक्टर वाजपेयी की, इज देयर एनी फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर फार्मूला हमें नहीं पता है तो हम कैसे उसको मालूम करेंगे? तो फार्मूला एक्चुअली है क्या, इस प्रश्न को मैं पूरा कर दूं, इज देयर एनी फार्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ? तो बेसिकली दो ही चीज़ें बात कर रहे हैं कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं और हम सर्फेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा फार्मूला जो है वो ईजाद किया जाता है उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए। जी सर यहाँ पर सर मैं अभी वहां पर पहुंचूंगा कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके थ्रू हम ये निकाल भी सकते हैं कि फोर्स एक्चुअली कितना लग रहा है, तो उसको सर अभी आगे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन ने जो आर्गुमेंट अपना दिया कि चंद्रमा आखिरकार जैसे एप्पल गिर गया था नीचे की तरफ आकर के, तो चंद्रमा आखिरकार क्यों नहीं गिरता है, तो वहां पर वही कॉन्सेप्ट जो अभी इससे पहले हम जान चुके हैं कि चूंकि चंद्रमा पहले से ही मोशन में है इसलिए अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है और एक सर्किल में चंद्रमा मूव कर रहा है। अब यहां पर बात आती है कि अभी जो फिगर हमने देखा था उसमें तो धागे से हमने ऑब्जेक्ट को बांध रखा था, तो हमने जो फोर्स लगाया वो थ्रू द थ्रेड ऑब्जेक्ट तक पहुंचा था, लेकिन अब यहां पर चंद्रमा और अर्थ के बीच में कोई धागा तो है नहीं, तो फिर आखिरकार चंद्रमा को फोर्स कैसे मिल पाता है? तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट आया, न्यूटन ने बताया कि एक फोर्स लगता है हर कोई भी मास, अगर बॉडी है जिसमें मास है, मासलेस नहीं है, तो एक फोर्स उस पर लगेगा और उस फोर्स की वजह से ये जो वही जो फोर्स है उसी की वजह से ये चंद्रमा हमारा जो है ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है और ये हमारे अर्थ पर आ करके गिरता नहीं है। इसी फोर्स को कहा गया कि ये जो हमारा
फोर्स है चंद्रमा और अर्थ के बीच में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि चंद्रमा जो होता है वो चक्कर काट रहा है अर्थ का और अर्थ अपनी तरफ इसको खींच रही है, तो ये बिल्कुल एनालॉगस है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि आवश्यक होता है किसी सर्कुलर मोशन। तो यहां पर बात वही आई कि जो भी अट्रैक्शन लगता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनमें मासेज है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब यहीं पर आया ये जो न्यूटन थे, इन्होंने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसको हम जो कि ये हर बॉडी पर यूनिवर्सली लागू होती है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये नियम तो उन्होंने दिया, अब एक्चुअली जो सर ने अभी क्वेश्चन भी किया था कि हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो फोर्स एक्चुअली कैलकुलेट किया भी जा सकता है। देखिए यहां पर हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का मास कैपिटल एम है और ऑब्जेक्ट बी का मास स्मॉल एम है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बॉडीज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेज के, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू स्मॉल एम, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ वन बॉडी एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ अदर बॉडी। और इसी तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहा गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, यानी अगर हम यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं, इसलिए मिल गया हमको एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर जो कैपिटल जी है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक जैसी रहती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। यहां पर ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व इसलिए हो गया कि अपने यूनिवर्स में कई ऐसे फिनेमिना हैं जो शुरुआत में जिनमें कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं महसूस हो रहा था कि कोई उनमें इंटरकनेक्शन भी होगा, लेकिन बाद में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आने के बाद ये पता लगा कि ये सारी घटनाएं जो हैं, जैसे द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, ये सारी घटनाएं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और इंटर रिलेटेड कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं फ्री फॉल। एक्चुअली फ्री फॉल होता क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जीरो स्पीड से, यानी कोई मोशन में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको हम अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर ले जा करके छोड़ देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की के कारण अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करती है, और उस समय इस पर चूंकि कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, देयरफॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल। अगर कोई दूसरा फोर्स लग रहा है आप
उसको पकड़ के ला रहे हैं किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको हम फ्री फॉल नहीं कहेंगे। तो फ्री फॉल तभी होगा जब ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरा फोर्स न लग रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा। जब कभी फ्री फॉल होगा तो कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के मोशन का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हर समय चेंज होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर एक एक्सीलरेशन भी होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन की आप बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी समझ लेते हैं। यस सर, यस सर। एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नाम पड़ा है, तो ये एक्सेलरेशन ही जिस तरीके से बाकी एक्सेलरेशन होते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो की जो वेलोसिटी है अगर वो चेंज हो रही है वेदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब यहाँ पर अब सदैव एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज ड्यू टू ए फोर्स, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो चूंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, इसलिए दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट भी वही होता है जो सिंपल एक्सेलरेशन का होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें ये देखते हैं। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मास m का है और वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से अर्थ की तरफ आ रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के को अप्लाई करने पर, तो वो f इक्वल टू एम जी। जी मतलब भाई एक्सेलरेशन, वैसे f इक्वल टू एम ए होता है लेकिन यहाँ पर a की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए f इक्वल टू एम जी। और साथ ही साथ हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देख चुके हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू g कैपिटल m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। वेल डॉक्टर वाजपेयी, वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट नाउ, लेट मी रिमाइंड यू सम टाइम लिमिट। यस सर, यस सर। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर हम बराबर करते हैं तो mg इक्वल टू g m क्रॉस m अपॉन r स्क्वायर, और यहां से अगर हम सॉल्व कर लें इसको तो g इक्वल टू g कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां बॉडी का ऑब्जेक्ट, बॉडी का जो मास है स्मॉल m, वो इस फार्मूले में नहीं आ रहा है। अगर हम अर्थ का मास 6 × 10^24 kg और अर्थ की रेडियस 6.4 × 10^6 मीटर इसमें पुट कर दें, तो हम पाते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। यहां ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है ये अर्थ सरफेस है और सी लेवल पे है, यानी हम किसी पहाड़ पे नहीं चढ़ गए हैं और ना ही अर्थ के अंदर हम डिप किए हैं। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो यही है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ज्यादा भारी हो, चाहे वो हल्का हो, चाहे हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, अगर हम किसी हाइट से उसको एक साथ गिराते हैं जीरो स्पीड से, तो सारे के सारे एक ही टाइम पर अर्थ सरफेस पर पहुंचते हैं। यानी यहाँ पर रेट ऑफ फॉलिंग जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और इसमें मेन चीज है कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उपयोग करके या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का उपयोग करके इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखें। तो सिंपली बस ए की जगह पर हमको जी कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ है इसलिए माइनस साइन लगेगा, और अगर नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट तो साइन जो होगा वो प्लस होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पहला इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, अगर नीचे आ रहा है तो पहला इक्वेशन होगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसी तरीके से बाकी इक्वेशन जो h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग उसमें लिख सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंतर्गत मूव कर रहा है। तो यहां पर आज हम लोगों ने
ग्रेविटेशन के बारे में एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और उसका हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लिखेंगे अगर बॉडी ग्रेविटी के अंतर्गत मूव कर रही। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ग्रेविटी के संबंध में हमारे दर्शकों को बताई हैं। जाने से पहले कोई खास संदेश, कोई पैगाम आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहें तो वो क्या हो सकता है डॉक्टर वाजपेयी? संदेश सर मेरा ये है कि जिस तरीके से न्यूटन ने एक एप्पल को देख करके इतनी बड़ी खोज कर डाली जो आजकल पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से डील कर रही है, तो क्यूरियोसिटी तो बच्चों में होती ही है और साथ ही साथ बच्चों को थोड़ा सा जो नेचुरल फिनोमेना अपने आसपास देखते हैं उनको देख करके थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर किस तरीके से, और हम ही लोग बच्चे ही जो है वो आगे चल के बड़े न्यूटन जैसे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। बिल्कुल साइंटिस्ट बिल्कुल बन सकते हैं और बने भी हैं और बन भी रहे हैं, तो यस एक ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन यस एक छोटी सी चीज़ इसके पीछे होती है, वो है आपका दृढ़ संकल्प, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी नहीं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, बट वो धैर्य के साथ आपको करनी रहती है। और ज़रूर हम इस कार्य को करने में बहुत सक्षम हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, एडोलेसेंट्स हैं, अभी छोटे से पैमाने पे, धीरे धीरे वो पैमाना बड़ा हो जाएगा, मेच्योरिटी आ जाएगी, तो बिल्कुल सातवां आसमान भी छू सकते हैं लेकिन धैर्य के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, आपने अपना समय हमारे बच्चों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ब्रेक के बाद रेन ऑन द रूफ अ ब्यूटीफुल पोयम फॉर क्लास 9 स्टूडेंट वेटिंग फॉर यू, स्टे ट्यून्ड।